नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। मैं आपके साथ वैष्णवी मावर। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुस्लिम युवाओं के द्वारा संकल्प लिया गया कि फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी जिला सिंगरौली के प्रभारी आबद हुसैन अंसारी के द्वारा कहा गया कि मुस्लिम समुदाय में अभी भी कई क्षेत्रों में यह परंपरा है कि किसी के इंतकाल के 40 दिन बाद इसके घर में 40वें की दावत का इंतजाम होता है, जिसमें तकरीबन 500 से 1000 लोगों को दावत दी जाती है और लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का खर्च आता है। कई घरों में यह देखा गया है कि भले ही उसकी स्थिति ठीक ना हो, फिर भी कर्ज लेकर यह रिवाज निभाना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए देवसर के तकरीबन 50 युवाओं ने यह ऐलान किया है कि जब उनका खुद का इंतकाल होगा तो उस वक्त इस प्रकार किसी की दावत का इंतजाम न किया जाए, सिर्फ मिलादे महफिल और फातिहा खानी कम खर्च में किया जाए। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी के ब्लॉक देवसर के अध्यक्ष महमूद अहमद अंसारी जी के द्वारा कहा गया कि पैसे की बचत कर मरहूम के नाम से किसी गरीब के बच्चे की शिक्षा पर खर्च किया जाए या आमजन को पानी पीने के लिए हैंडपंप, कुआं एवं नल की व्यवस्था की जाए, जैसा कि इस्लाम में फिजूल खर्ची जायज नहीं है। इसलिए हम हर तरह के फिजूल खर्चे के खिलाफ है। दावत में खर्च होने वाले पैसे को मेरे नाम से गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और इल्म के साथ सही अमल आखिरत में भी काम आएगा। उक्त संकल्प लेने वालों में आबिद हुसैन अंसारी, महमूद अहमद, रजवान अंसारी, सोनू अंसारी, इसराइल मोहम्मद, हजनीन मोहम्मद, कुतुबुद्दीन इरशाद अख्तर रजवा, हाफिज फिरोज आलम, डॉक्टर फिरोज मुबारक हुसैन, गुलाम मुस्तफा, हारून अंसारी, फिरोज अहमद, जहीर मोहम्मद, मकबूल अहमद, फिरोज आलम, उस्ताद अहमद मोहम्मद, हारून एमडी हारून, मोहम्मद रजाक, मोहम्मद कलीम, इस्तफाक अहमद, महमूद आलम, मुमताज मोहम्मद, मोहम्मद दानिश एमडी दानिश, मकसूद अंसारी, मोहम्मद हारून, इरशाद मोहम्मद, चांद कादरी, रजा भाई, मोहम्मद शमशीर, हसन हाशमी, अहमद रजा, हाफिज रईस आलम रजा, मोहम्मद रफीक मोहम्मद। ये हमारे सारे युवा लोग जो है, युवा टीम जो है, एक बहुत ही अच्छा कुरान और हदीस के दायरे में इन्होंने फैसला लिया है। और अच्छी बात यह है कि सब ने अपना अपना फैसला लिया है। इन्होंने फैसला लिया है कि हम जब इस दुनिया से अल्लाह हमें बुला ले तो हम लोग जो है तो फिजूल खर्ची बचाने के लिए, फिजूल खर्ची ना करते हुए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ एक रस्मो रिवाज है 40वां, जिसमें कम से कम 500, 600, 700 लोगों को बुला के खाना खिलाया जाता है किसी भी आदमी के मरने के 40 दिन बाद। उसमें क्या है, जबकि सुन्नत तरीका जो कुछ भी हमने उलमाओं से बयान में सुना है वो ये है कि हम मिलाद सुने, फातिहा खानी करें कम से कम खर्चे में, लेकिन ये धीरे धीरे करके जो है तो 500, 1,000 लोगों को खिलाने का रिवाज हो गया है। तो हम सब युवाओं ने अपना अपना फैसला लिया है कि जब भी अल्लाह हमें इस दुनिया से बुलाए तो हमारे घर वाले जो भी हैं, जो भी रहेंगे यहाँ पे, हम जो इसमें से जाएगा वो तो रहेगा नहीं, जो भी हमारे घर वाले हैं वो इस बात का खास ख्याल रखें कि फातिहा खानी करें, मिलाद करें और कम से कम खर्चे में करें। और जो 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक फिजूल खर्ची होती है, उस फिजूल खर्ची को ना करते हुए या तो वो अपने बच्चों की शिक्षा में लगाएं, या अगर उनके पास ज़्यादा पैसे हैं या पैसे हैं वो खर्च करना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी गरीब के शिक्षा में लगाएं, या बहुत सारे ऐसे इसाले सवाब के लिए काम होते हैं वो अन्य जगह पे खर्च करें। लेकिन ये किसी की मौत पे 40 दिन बाद जाके 1,000 लोगों का खाना, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। जो चीज़ें सुन्नत में सही दिया गया है सिर्फ उतना ही किया जाए। और मैं सभी युवाओं का मतलब बहुत हौसला अफजाई करता हूँ कि लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया है जो बहुत ही आगे चल के बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सब ने अपना अपना फैसला सुनाया है, इसलिए सबको बहुत बहुत जो है तो अल्लाह सब के इस फैसले को, अल्लाह सब के फैसले को कबूल अता फरमाए। आमीन। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।